भाई वो पूछ रहा है मुहर्रम का मतलब क्या है। मुहर्रम मुसलमान त्योहार करता है ना वो रम माने रमना वो आता है देहधारी का उसकी याद में मनाते हैं मुहर्रम। किसको याद करते हैं हाय हुसैन हम न हुए हुसैन को याद करते हैं। वो हुसैन देहधारी था या निराकारी बाग था देहधारी था उसकी याद में जो यादगार मनाते हैं वो आता रहता है उसका नाम रख दिया है मुहर्रम। खूब खेल करते हैं तो भाषा ही नहीं मेहनत का मान करो माना जहाँ मोती टिकने वाले हम रहते हैं। एक वार्तालाप में बोला है तो मेहनत का मान करो एनएच है क्या मान सरोवर कहते हैं सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ और हिमालय पहाड़ पर एक सरोवर है बहुत ऊंची स्टेज बर्फ का पानी जो शुद्ध जल है वो पिघल पिघल करके उस सरोवर में इकट्ठा होता रहता है। पानी इतना ज्यादा निर्मल है कि देखा जाए तो नीचे तक सारा बॉटम दिखाई देता है। शुद्ध पवित्र जल कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे नदियां होती हैं मैदान में बहती हैं तो सारा कचरा डालती रहती है पानी मटमैला हो जाता है ऐसा जल वहां नहीं है शुद्ध जल है। और उसके आसपास रहते हैं हंस हंसों के लिए कहावत है कि वो मोती ही चूते हैं कंकड़ पत्थर नहीं चूते। अब वो यादगार बनी हुई है प्राकृतिक रूप से महापहाड़ पर ही कैलाश पर्वत दिखाते हैं और शंकर जी को कहां का वासी दिखाते हैं कैलाशी वासी। भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कैलाश पहाड़ पर जाकर के देखा किसी ने नहीं है साक्षात्कार हुआ हो किसी को वो दूसरी बात है। ये सब संगम संगम युग में जो शंकर का पार्ट है मुकरर रथ है वही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव का शुद्ध जल अपने में धारण करता है। वो शुद्ध जल के आस पास जो रहते हैं ठिकाना बनाते हैं वो सब है हंस। पवित्र जल लेने वाले हैं और नदियों का पवित्र जल ग्रहण करने वाली आत्माएं नहीं और वहीं से बहती हुई दिखाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी।
धूम की स्टेज से ही बहते बहते पहाड़ों पर सागर के जब नजदीक आ जाती है तब पहाड़ी इलाके से नीचे उतरती है, मानी स्टेज नीचे नहीं आती। तब से बड़ी नदी दिखाई गई है, गंगा नदी भी इतनी बड़ी नहीं है। तो ज्ञान मान सरोवर कौन हुआ? इस सरोवर में पवित्र जल भरा रहता है, अपवित्र होने का सवाल ही नहीं। बल बाबा बताते हैं दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं के पसार होती है, भक्ति भी चार अवस्थाओं से गुजरती है, तत्व प्रधान तत्व सामान्य रजो और तमो। ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है, तत्व प्रधान तत्व सामान्य रजो और तमो। परंतु मान सरोवर का जल कभी भी गंदा नहीं होता। कैसे कहेंगे कि ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है? हाँ, ज्ञान मान सरोवर है, ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज में जाकर के सदैव रहने की हिम्मत कोई की होती नहीं है। तो दूसरों से सुनने लग पड़ते हैं तो उसमें कचरा बढ़ जाता है। इसलिए बोला एक से ही ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो भी विचारी ज्ञान हो जाए। मुरलियों में बताते भी है जन्म को सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास, टैप रिकॉर्डर से सुनेंगे तो सेकंड क्लास, और कागज से पढ़ेंगे तो थर्ड क्लास। तब तो रजो तमो तीन प्रकार का ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे शूटिंग में ज्ञान लेने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ज्ञान भी सतो रजो तमो होता है। ऐसे सरोवर का जल रुका हुआ कहा जाता है, सरोवर माने तालाब। नदियों का जल ज्यादा स्वच्छ माना जाता है, क्यों? नदी का जल बहता रहता है, फिर भी जो ज्ञान सरोवर है जिसको मान सरोवर नाम दिया गया है, उसकी जल की तुलना नदियों से नहीं की जा सकती, गंगा नदी से भी नहीं की जा सकती। कलयुग अंत में आकर के गंगा नदी भी तामसी बन जाती है। कारखानों का कचरा गिरने लगता है, वहां मान सरोवर में ऊपर जाकर के कौन कारखाने बनाएगा जो वहां कचरा गिरे? सदैव शुद्ध जल रहता है। ऐसा ही महानदी में भी ऐसा है, के पास महानंदी है ना, महानदी महानंदी महानंदी ऐसा बाटे है बाबा, उसके पानी निकलते रहते हैं। हाँ, वो नीचे नहीं जाता, नीचे जाता है, लेकिन आप जैसे बताया साफ से बात आप देख सकते हो। तो कोई भी पानी जो है, जैसे गंगा उतरती है गंगोत्री से, उस समय गंगा का पानी बड़ा निर्मल होता है। गौमुख से जब निकलता है तो और निर्मल होता है, पर जैसे जैसे नीचे बहता जाएगा वैसे वैसे मैदानी मनुष्यों का कचरा मिलता जाएगा। लेकिन मानसरोवर एक ऐसा स्थान है
और ऐसा ऊंचा स्थान है जहाँ किसी प्रकार का कोई भी कचरा या प्रदूषण मिक्स नहीं होता। कोई अपना मिक्स करना चाहे तो भी मिक्स नहीं हो सकता। एनएस में जो भी है उनमें से ज्यादा बाद में आने वाले हैं वो सब पूर्व जन्म की पुरुषार्थी है क्या? एनएस माने नया संगठन। ये नया संगठन बढ़ता ही रहेगा या छोटा होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। बढ़ते बढ़ते उसमें नौ लाख आत्माएं संगठित हो जाएगी। एडवांस में आने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो एनएस में नए संगठन में मिक्स होकर के एक न हो जाए। ये नई दुनिया के फाउंडर हैं। प्लैटिनम धातु हीरा से भी ज्यादा महंगा है। हीरा तो बाबा है, फिर प्लैटिनम कौन है? हीरा तो बाबा है, प्लैटिनम कौन है? चीजें ऐसी है जो वैज्ञानिकों ने इजाद की है। क्या बाबा ने उनका नाम नहीं बताया? बाबा ने तो नौरत्नों तक ही बताया। प्लैटिनम प्लैटिनम बाबा की बनाई हुई चीज और बताई हुई चीज ही नहीं है। बाबा पहले तो एजी के अंदर इतना साधन सुविधा नहीं था, फिर भी सब खुशी से रहते थे। साधनों से ही खुशी रहती है। कोई जरूरी है कि साधनों से ही खुशी रहती हो? सत्युग में साधन होते हैं क्या? कोई साधन नहीं होते, फिर भी वहाँ बहुत खुशी रहती है। और अभी तो साधन बहुत है। एजी में हर प्रकार का साधन है, हर तरह के सुविधा है। बाबा की हर तरह से फ्री छोड़ दिए। इतना अंतर है, अभी के आने वाले आत्माओं में कोई खास विशेषता है क्या? खास विशेषता है क्या आने वाली आत्माओं में? विशेषता है या उनकी विशेषता उनके ऊपर आधारित है जिनके आधार पर वो आती है ज्ञान? माँ बाप जैसे होंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे कि नहीं? माँ बाप अगर साधनों के आधार पर चलने के आदि हो गए, साधन मिलेंगे तो खुशी होगी, साधन नहीं मिलेंगे टीवी देखने को न मिला खुशी उड़ने लगी। तो ये साधनों का जितना आधार लेकर के चलने वाले हैं उनसे जो पैदाइश होगी, जिनको पालना मिलेगी, वो पावरफुल आत्माएं बनेगी या कमजोर आत्माएं बनेगी? मतलब कमजोर आत्माएं बन रही है। इसलिए अवगत वाणी में बोला है आदि के निकले हुए 12,000 अब तक भी काम दे रहे हैं बेसिक नाम के। क्यों? क्योंकि आज में साधन नहीं थे, साधना थी। ये यमुना नदी के किनारे किनारे डोल डोल के ब्रह्मा कुमारी बहने ज्ञान दे रही थी। उस समय चित्र भी नहीं थे, लिटरेचर भी नहीं था, कोई साधन नहीं था। मुरली भी उनको रोज पढ़ने को नहीं मिल पाती थी। उस समय की साधना से जो बच्चे निकले वो अब तक भी यज्ञ की पालना कर रहे हैं। अभी देखो कैसी आत्मा निकल रही है, बड़े बड़े महल अमानिया अटारियां बनी हुई है, पर्वत लेने वाले पर्वत ले रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही है, सारी भक्त निकल रही है। यही हाल है ग्रंथ में जो पहले आई हुई आत्माओं में नहीं।
क्या नहीं है? पहले आई हुई आत्माओं ने साधनों की पालना नहीं की, ये नहीं है। और अब आई हुई आत्माएं साधनों की पालना ज्यादा ले रही है, तपस्या की पालना उनको नहीं मिल पा रही, तपस्या का वातावरण नहीं मिल पा रहा है, ये कमजोर आत्माएं निकल रही है। బాబా ఏ విధంగా అష్టదేవులు నెంబర్ వారు అదే విధంగా అష్టరత్నాలు కూడా నెంబర్ వారేనా బాబా? మరి రత్నాలలో ఏవైతే వజ్రం ఉందో అది అయితే చాలా వ్యాల్యుబుల్ అయింది, రత్నాలైతే వినాశం చేయడానికి నిమిత్తం అవుతాయి, అందులో వజ్రం ఉందని చెప్పాను जो हीरा है वो तो बहुत वैल्यूबल है, रत्न तो विनाश करने की निमित्त बनते हैं, रत्न तो सब रत्न थोड़े विनाश करने के निमित्त बनते हैं, हीरा हीरा जो है वो तो हीरो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी निमित्त बनता है या निमित्त बनाता है, है? अभी अभी मुरली बोला शंकर विनाश करता है क्या? शंकर तो विनाश नहीं करता, बाकी और जो है रतन कम कीमत वाले उनके द्वारा विनाश होता है, जो अव्वल नंबर हीरा है हीरो पाटधारी है शंकर पात्रधारी है नारायण वाली आत्मा है वो कंस्ट्रक्शन करने वाली है या डिस्ट्रक्शन करने वाली है? वो तो बनाने वाली है, बिगाड़ने वाला है रावण, रावण के होते हैं अनेक मुख, वो है नंबर बार कोई छोटा हो, देवताएं अलग की और रतन अलग की, बाकी बाप दोनों में है, बाप अष्ट देवताओं में भी है और बाप अष्ट रतनों में भी है, बाप का तो बीज रूप है, ऐसा रूप है बीज रूप, वो स्वर्ग का भी बीज है तो नरक का भी बीज है, इसलिए मुरली बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? तुम स्वर्ग के भी मालिक बनते हो तो नरक की दुनिया के भी मालिक बनते हो, इसलिए फरुखाबाद शहर का खास नाम लिया है, फरुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, अब ये नहीं जानते कि वो मालिक स्वर्ग का मालिक है या नरक का मालिक है या दोनों का मालिक है, दोनों का मालिक, तो जो हीरा है वो रत्न तो है लेकिन कम वैल्यू का नहीं है, और जो रत्न है वो सब नंबरवार कम वैल्यू के, इसलिए जो नवरत्न है वो हीरो पार्टधारी नहीं कहे जा सकते, अष्टदेव सारे ही हीरा है, हाँ कोई ज्यादा चमकने वाले और कोई कम चमक मारने वाले, लेकिन है सब हीरो पार्टधारी, रतन रतन कमती कीमत वाले हैं, माणिक है मूंगा है इनकी कीमत ही कम हो जाती है, जैसे इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म है क्रिश्चियन धर्म इनकी आयु भी एक दूसरे से कम है, इतना लंबे समय तक रह नहीं सकते, नंबर वार आते हैं और नंबर वार चले जाते हैं,
वाला होते अंत में पुरुष बन जाएगी ऐसे कहाँ नहीं फिर ऐसे क्यों कहते हैं स्त्री चोला नारायण नहीं बन सके चोला नारायण नहीं बन सकता जो विजय माला के स्त्री चोले होंगे जो विजय माला के स्त्री चोले होंगे और जो रुद्र माला के स्त्री चोले होंगे तो दोनों में से कोई भी नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकते हाँ? अरे विजय माला की जो नारियां होंगी वो नारी से लक्ष्मी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है ऐसा कैसे क्यों कहना चाहिए कि नारी से लक्ष्मी कहना तो रंग हो गया नहीं बन सकते बाबा ने तो जो कुछ भी बोला हुआ है वो पत्थर की लकीर बोली अब कोई श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करे अथवा श्रीमत के बरखिलाफ पुरुषार्थ करे अनुकूल करेगा तो नारी से लक्ष्मी जरूर बनेगा ना नर से नारायण भी बन सकते हैं नारायण जैसा बन सकते हैं तो अष्टदेव जो भी है वो सब नर से नारायण बनने जैसे हैं तो भाव संस्कार को चेंज करने वाली बात है स्त्री चोला भले है लेकिन नारी जैसे संस्कार नहीं है दुर्योधन दुष्टासन जैसे संस्कार है हड़पने के कंट्रोल करने के हावी होने के अपनी मनमानी करने के हटली बनने के वो तो नारी से लक्ष्मी नहीं बनने देते बाबा कन्या माता को आगे रहते हैं बाबा कन्या माता को आगे रहते हैं फिर पहले भाइयों को पहले दृष्टि क्यों रहते हैं पहले दृष्टि देने से कोई ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्या बल्कि पहले वाली दृष्टि तो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती धीरे धीरे बुद्धियोग स्थायी होता है शुरुआत में दृष्टि दी जाती है वो ज्यादा पावरफुल होती है या बाद में जो दृष्टि दी जाती है ज्यादा पावरफुल होती है झूठ क्यों बोलते बताओ पॉइंट से क्या समझता है वाला भाई पॉइंट से क्या समझता है बाबा मेरे हम तो जड़ से ज्यादा स्त्रियों में जड़ से ज्यादा होते हाँ भाइयों को ज्यादा लेना नहीं देना चाहते जब से मेरी सासू ये रुद्रमाला के मणके हैं ये माताएं नहीं है स्त्रियां नहीं है ये जन्म जन्मांतर के पुरुष है बाबा जी हाँ मनुष्य को नवरंग नहीं है मनुष्य को नवरंग नहीं आत्मा शरीर को छोड़कर चले जाते समय किस रंध्र से निकल जाती है रंध्र ये रोए जो होते हैं उनको रंध्र कहा जाता है ये रंध्र नौ नहीं है असंख्य है नौ इंद्रियां हैं क्या इस शरीर के नौ दरवाजे हैं इस दरवाजे से आत्मा शरीर को आत्मा तो ये जो बाल बने हुए ना एक एक इनके साथ साथ एक एक छेद भी है शरीर के अंदर वो छेदने से भी छोटी आत्मा है वो आत्मा तो कहीं से भी निकल सकती है ऐसे नहीं कि वो नाक में से ही निकलेगी और मुंह में से निकलेगी निकल गई आत्मा शरीर के कोई भी रंध्र से निकल सकती है
ब्रह्मरंध्र क्या होता है? ये ब्रह्मरंध्र यहाँ शरीर के अंदर जो ऊपर सर पे बाल है ना, ये भी रंध्र है, ये भी छेद है ढेर सारे। इन छेदों में से भी आत्मा निकलते, लेकिन उनकी छेद वाली आत्मा होती नहीं है। कंजू सब की बुद्धि, पुरुष है तो उनकी स्त्री में बुद्धि जा रही, वो भी नीचे जा रही। स्त्रियां है तो उनकी पुरुषों में बुद्धि जा रही, वो भी नीचे जा रही। तो ब्रह्मरंध्र में कौन जाएगा? ब्रह्मरंध्र में तो वो ही जा सकता है जो ब्रह्मा के दिए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन में लगा रहे। बाबा कोई भी नाम लेते हैं तो स्त्री जाति के तरफ से एकमात्र बढ़ जाता है। कोई भी नाम लेते हैं तो स्त्री जाति के तरफ से एकमात्र बढ़ जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे नारायण नारायणी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, क्यों एक ही मात्रा बढ़ती है ना? कौन सी मात्रा बढ़ती है? अरे जो मात्रा बढ़ती है उसका भी तो नाम लेना चाहिए। अरे लड़का है तो आ का डंडा है, लड़की है तो कौन सी मात्रा बढ़ गई? अरे की बढ़ गई ना, तो जिसके ऊपर वजन पड़ता है उसको की ही निकलती है। उसे ई की आवाज निकल जाती है, नाम भी दे दिया ईव। मुसलमानों ने नाम क्या दिया? ईव। आजकल एक संप्रदाय निकला है काले कपड़ों वाला, क्या नाम दिया उन्होंने? ईव। उनकी भी ई निकलती है बाद में। धर्मराज के पात्र को विशेष मानने वाले मानस सरोवर किसका पात्र होंगे? लक्ष्मी ना, लक्ष्मी या जगदम्बा कौन सी आत्मा का पात्र होंगे बाबा? पवित्र जल कितने भरा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी में भरा हुआ है या मान सरोवर में भरा हुआ है? वही उसका पात्र है। उसी के आस पास हंस रहते हैं। ब्रह्मपुत्र में गंगा नदी जाके मिलती है, गंगा में यमुना जाके मिलती है, यमुना और गंगा में ढेर नदियां जाके मिलती है। मानसरोवर में जाकर कोई मिलता नहीं है। मानसरोवर वो पानी जब नीचे स्टेज में आ जाता है लास्ट में, जब दुनिया का विनाश होगा तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ऊंचे ऊंचे मीलों पहाड़ बर्फ के जमे हुए वो सब कहाँ जा देंगे? सब समंदर में आ जाएंगे, तैरने लगेंगे। तब वो मानसरोवर में नीचे स्टेज में आ जाता है। समुद्र भी बौखलाता है, विकराल रूप धारण करता है। इतना विकराल रूप धारण करता है कि जितने भी विधर्मी खंड हैं वो सब समंदर में समा जाते हैं। బాబా ఎప్పుడైతే సత్యుడు పాత్ర నడుస్తుందో అప్పుడు ఈ విషయం రుజువు అవుతుందా?
గీతా పాఠశాల వారికి గీతా పాఠశాల వదలాల్సి వస్తుంది, మధువనం వారికి మధువనం వదలాల్సి వస్తుంది. దాని ముందు అంటే సద్గురు పాత్ర ఉందా లేక సద్గురు పాత్ర ఆరాధన ఎప్పుడు అవుతుంది? सद्गुरु का पाठ जब चलता है तब ही ये सब होता है. सद्गुरु का पाठ चलना माना विनाश का नगारा बजना. सदगुरु के पाठ होने के बाद तो फेल ही कला. तो कोई काम रहता ही नहीं. सदगति हो गई फिर क्या काम रहेगा? सहस्र बाबू कार्तिक में विजय बोलकर आते हैं, गुरु ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ ऋषि से कामधेनु गाय मांगते हैं, इसका बेहद में क्या कामधेनु गाय कोई दूसरी थोड़े ही है, जगदम्बा है, वही सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है. जगदम्बा जो माँ काली का रूप धारण करती है उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश करती है जो उसको कंट्रोल कर लेती है? माँ काली के तर पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है, वो अधूरा चंद्रमा है, वो प्रवेश करता है. बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है क्या? और कोई आत्मा जगदम्बा का पाठ नहीं है? सारे जगत की माँ वही बन सकती है जो सारे जगत के सामने सहन शक्ति का नमूना पेश करे. ब्रह्मा के अलावा और दुनिया का कोई पाठधारी न हुआ है न आगे भविष्य में होगा और न वर्तमान में अभी है जिसने इतनी सहन शक्ति धारण की हो. इसलिए ब्रह्मा ही जगदम्बा है. माँ का विशेष पाठ होता है सहन करने का. जगदम्बा है वो तो वास्तव में एक डब्बा है. पांच तत्व है संघात, उसका नाम दिया प्रकृति. पांच तत्वों का संघात जिसका नाम दिया जाता है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इस पांच तत्वों का मेल. सुंदर से सुंदर रूप धारण करता है वो प्रकृति का रूप, और विकराल से विकराल रूप धारण करता है. विकराल रूप भक्ति मार्ग में दिखाया गया है महाकाली. बाबा इन्हें पहले ही सुनना पड़ता क्या भाई है? क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? वाले बता दिया ना माने नया संगठन. जो नया संगठन है वो तो सारी दुनिया 9 लाख बनेगी जो नई दुनिया, वो सारा ही तो नया संगठन हुआ. छोड़ेगा क्या? उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है. वो तो छोड़ करके ही जाने कहाँ लुप्त हो गए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से. अब छोड़ कर एनएस में आया, फिर एनएस छोड़ क्या छोड़ने का बात. इस दुनिया का पद छोड़ दिया, मान छोड़ दिया, मर्तबा छोड़ दिया.
श्रीमत पर चलना माना मरना क्या सिवाय सेवा के और कोई चीज में खुशी नहीं आती। नारायण होता है ना, जो भी पढ़ने वाला है, ऐसा नहीं, जो डायरेक्ट पढ़ने वाले वो सत्युग में आते हैं। सत्युग में तो आठवां जन्म भी होगा उनको, पौने 14 कला को सवा 14 कला का, तो सवा 14 कला बनाने के लिए बाप आते हैं क्या? बाप कम कलाओं वाला बनाने के लिए आते हैं, वो सत्य कला वाला बनाने के लिए आते हैं कि 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए आते हैं? ये बात तो गलत है। उनका जन्म भी कम होता है, जन्म कम हो जाते हैं क्योंकि कम पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। वो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ेंगे तो डायरेक्टर तो एक शिव बाबा है। शिव बाबा की जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो तो कम से कम 9 लाख प्रजा में तो आवेंगे, और 9 लाख प्रजा होगी वो तो 84 जन्म लेने वाली होगी। तो आठवां नारायण तो वो ही बनता है जो आर्य समाज ही है, आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाला। यहाँ बेसिक नॉलेज में आर्य समाज में जाने वाला कौन सा नारायण, कौन सा ब्राह्मण होगा जो सबसे जास्ती लिटरेचर की सेवा करने वाला होगा? किए आखिरी जन्म में भी आर्य समाज ही था। लक्ष्य था उनका कि हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप को प्रत्यक्ष कहां से करेगा? में बाप की प्रत्यक्षता का टाइम बताया गया 75, उस समय तो हवाई जहाजों में घूम रहा था बिना कोई उद्देश्य के, बिना कोई अहम ऑब्जेक्ट के। राम वाली आत्मा पुरुषार्थ कर रही थी, रतन कमाए रही थी, ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार बनी हुई थी। तो रिजल्ट क्या होगा? पुरुषार्थ करेगा और एक दुनिया की मौज मस्ती करेगा। तो पुरुषार्थी जीवन जो है वो मौज मस्ती करने वाले के ऊपर जीत पालेगा ना। यहाँ जीत पाने की शूटिंग होती है और वहां वो आठवां नारायण बनता है, उसकी राजा इफेक्ट हो जाती है। नारायण वाली उपाधि खत्म हो गई, जिससे लोन लिया राजाई चलाने के लिए उसके हाथ में सारी ताकत चली गई, उसने उपाधि ही खत्म कर दिया नारायण का। नारायण की जगह किसका लकब शुरू हो जाता है? त्रेता युग से राम का लकब शुरू हो जाता है। बाबा तो हिंदी जानता है क्या? तो ब्रह्मा की चौथी सृष्टि है वो तो है ही है। अभी तक तो किसी अभ्यतवाणी में बोला नहीं था सन 69 के बाद कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। कब बोला?
जब चारों युगों की शूटिंग पूरी हो जाती है एडवांस में, संगम में भी संगम शुरू हो जाता है। तब ही तो बोला, क्या बोला, तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। वहां से शुरुआत हो रही, जरूर नई दुनिया का फाउंडेशन का संगठन तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी फाउंडेशन डाला जाता है वो मकान के फाउंडेशन डालने के टाइम पर उसमें दुर्मुख से धजों के लगाए जाते हैं। क्या वो खोदी जाती है ना अंडरग्राउंड, उसमें पत्थर डाले जाते हैं, पत्थर ही पत्थर डाल करके फिर भारी लोहे से तो मारते हैं। मजबूत पत्थर होते हैं वो और गहरे में चले जाते हैं, ऐसे वैसे टूट टूट के इधर उधर हो जाते। तो परीक्षा तो सबकी होगी, क्या फाइनल पेपर सबका होगा, चाहे एनएस वाले हो, एनएस के अंदर जाने वाले हो और चाहे एनएस के बाहर वाले हो, माया आखिरी परीक्षा सबकी लेगी। और अभी तो माया ने प्रकृति से भी आप मिला लिया, तो कड़क परीक्षा होने वाली है। एक होता है फाउंडेशन, जमीन के अंदर होता है, देखने में नहीं आता बाहर, और एक होती है पहली मंजिल। फाउंडेशन देखने में आता है या पहली मंजिल देखने में आती है, पहली मंजिल देखने में आती है। अभी नई दुनिया की पहली मंजिल की शुरुआत नहीं है, फाउंडेशन पड़ रहा है। माता के पास कुछ लिखा लिखाया रखा रह गया, आप सभी सीताएं तो सब सीताएं हो, राम बाप है एक। राधा ऐसी है कि जब से बेसिक में आती है तब से आने के बाद पीछे कदम नहीं उठाती, और जब से एडवांस में आती है तब से आने के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटाती। एक होते हैं संबंध जोड़ने वाले और एक होते हैं संबंध निभाने वाले। तो निभाने वालों में यमुना बहुत पीछे रह जाती है, गंगा थोड़ी उससे आगे निकल जाती है। जगदम्बा भी निभाती तो है लंबे समय तक, लेकिन फिर आखिरी पांव लड़खड़ा जाते। राधा का पार्ट ऐसा है कि जब से निकलती है तब से लेकर लास्ट तक पूरा निभाती है। संबंध इंद्रियों से ही जोड़े जाते हैं, आंख भी इंद्रिय है और टेस्ट इंद्रिय है। जो आज आर्थिक मासूक का मिसाल दिया है, आर्थिक मासूक एक दूसरे को प्यार के लिए नहीं, वो विकार के लिए नहीं आर्थिक मासूक होते हैं,
वो एक दूसरे के ऊपर फिदा होते हैं, कहते हैं आशिक हो गए, विकार की आप नहीं है लेकिन देखना चाहते हैं, क्या आप से देखना जरूर चाहते हैं, आपका जो मेल है वो भी एक प्रकार का संबंध जुड़ा देता है, आंख एक में डूबे और दूसरे कोई में आंख न डूबे। राधा बनने वाली होगी माना लक्ष्मी का पार्ट धारी होगा तो उसकी आंख किस में डूबेगी, कोई भी एक भाई जेड दुनिया में जो भी देखेगी उससे उसकी आंख डूब जाएगी, क्या डूब ही नहीं सकती, आंख डूबेगी तो सिर्फ एक में ही डूबेगी जो नारायण बनने वाला हो। इसलिए राधा के लिए गायन है एक राधा का, बाकी औरों का किसी का गायन नहीं है। पटरानियां आठ होती हैं, बहुत तीखा पुरुषार्थ करने वाली होती है लेकिन आखरीन पुरुषार्थ करते करते विधर्मियों के चक्र में चक्करी में आ जाती है और पट्ट में गिर जाती है। राधा कोई की चक्करी में आती नहीं है। राधा को महारानी कहा जाता है और पुरुषार्थ करने वालियों को पटरानी कहा गया, रानी कहा गया। योगी बहन पूरा नहीं निभाते माला है, वो भाई भाई की माला है या स्त्री पुरुष की माला है, क्या निभाना है रुद्रमाला को आपस में क्या निभाना है, भाई भाई के रूप में निभाना है, आत्मा आत्मा भाई भाई, वह तो पति पत्नी की बात भी नहीं है। बाबा ने बोला है तुम बच्चों के सर्व संबंध एक बाप से, तो ये सर्व संबंध वाली जो बात है उसमें रुद्रमाला के मन के सबसे आगे, संबंध तो अनेक प्रकार के निभा लेते लेकिन संबंध निभाने में भी जो पुरुष चोला है और स्त्री चोला है उसके कुछ अपने नीच नियम होते हैं। आज की दुनिया में स्त्री चोले के रूप में नियमों का निर्वहन करना पड़े, शंकर के लिए कहा जाता है कि उनको दुनिया में कोई नगरी प्यारी नहीं लगी, उनको सिर्फ काशी नगरी प्यारी लगी, क्यों प्यारी लगी, इसलिए प्यारी लगी कि जगदम्बा सरस्वती और यमुना नदी इनका आपस में ईर्ष्या द्वेष हो सकता है, जगदम्बा यमुना का ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात राधा के साथ ईर्ष्या द्वेष हो सकता है,
माने सभी नदियाँ आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या देश करती है, लेकिन एक नदी ऐसी है जो ईर्ष्या देश में नहीं आती। उसका नाम है वरुणा। वरुणा नदी गंगा से मिलकर के रहती है, मिल जाती और जैसे ही मिलती है वहीं से गंगा का पार्ट प्रत्यक्ष होने लगता है। गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। अद्वैत वाणी में बोला है गंगा कहाँ से निकली, माने कहाँ से प्रत्यक्ष हुई, इलाहाबाद से प्रत्यक्ष हुई या कानपुर से प्रत्यक्ष हुई? कानपुर तो ऐसा स्थान है जहाँ से गंगा में ज्यादा प्रदूषण होता है, प्रदूषण आजकल तो हरिद्वार से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही उसी स्टेज से पहाड़ की स्टेज से गंगा ऋषिकेश से नीचे उतरती है हरिद्वार में ही कचरा पड़ने लगता है आजकल। पहले 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 कचरा पड़ता था फरुखाबाद में, लेकिन इतना कचरा नहीं पड़ता था जितना कानपुर के कारखानों का कचरा पड़ा। गंगा नदी तलवार का रूप धारण तब करती है जब वर्मा नदी से मिलती है, वहीं से उसका स्थान का नाम पड़ जाता है, मेल का जो स्थान है उसका नाम पड़ जाता है काशी। काशी माने याद का तेज, जिसको नाम दिया योगिनी। और वो नदी चाहे गंगा हो चाहे यमुना का पार्ट हो चाहे जगदम्बा हो चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, कोई से भी द्वेष पैदा नहीं करती है। क्या द्वेष की बात नहीं, रुद्रमाला के मणकों में फर्स्ट जो है वो तो फर्स्ट है ही, लेकिन फर्स्ट के बाद कोई तो होगा जो दूसरे नंबर का होगा। ऐसे तो अष्टदेव गाए हुए, लेकिन अष्टदेवों में भी दो मुख्य हैं, एक काशीनाथ और दूसरा काशीनंदन। ये जब स्टेज पर आते हैं उसी समय से नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है, नहीं तो लक्ष्मी वाली आत्मा जगदम्बा वाली आत्मा यमुना वाली आत्मा गंगा वाली आत्मा ये ज्ञान को तो पकड़ती है। ज्ञान के आधार पर ज्ञानदाता को भी पकड़ लेती है, लेकिन उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती जहां से नई दुनिया का सृजन शुरू होता है। इसके लिए गहराई चाहिए। क्यों? क्योंकि सागर में जो भी कचरा जाता है वो सीधा सागर में नहीं जाता है, किसके द्वारा जाता है? नदी के द्वारा जाता है। माने नदी जितनी ही उथली होगी वो कचरा इधर उधर किनारों पर फैल जाएगा, और नदी जितनी ही ज्यादा गहरी होगी, कहते ना ये तो बहुत गहरा आदमी है, नदी जितनी ही गहरी होगी उतना पोता मेल को बाहर निकलने नहीं देगी। कोई शिकायत करते हैं बाबा को इतने ढेर सारे पोता मेल जाते हैं,
ऐसा बाबा ही पढ़ते होंगे। अरे बाबा ही सारे पोता मिल कर नदियां काय के लिए, नदियों में भी तो भांति भांति की नदियां है ना, उस नदी के लिए ज्यादा महत्व तो हो जाता है जो ठीक से सहयोगी बने।
कोई आत्मा जड़ तुम्हें ही है और कोई आत्मा चैतन्यता से भरी पूरी है, तो दोनों आत्माओं के मुकाबले ज्यादा परे की स्टेज किसकी होगी? जो चैतन्यता की शक्ति जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा पांच तत्वों से परे होकर रहेगी परम धाम में भी। सबसे जास्ती से जास्ती पांच तत्वों की परिधि से परे होकर कौन सी आत्मा रहती है? हैं? सदा से। और उसके बाद प्रजापिता, फिर नंबर वन। तो चैतन्य आत्माएं जो भी हैं वो सब परमधाम तो जाती हैं, लेकिन परमधाम की अंतिम स्टेज को कोई क्रॉस नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक शिव ही है जो आधिपत्य करने वाला है प्रत्येक आत्मा के ऊपर। और पांच चार देवताएं नहीं है, वायु देवता नहीं है, अग्नि देवता नहीं है, है? जल देवता नहीं है, है ना? और मैंने उनको पार्ट बताए, पार्ट बाप बताते हैं क्या? मम्मी का नाम कहाँ बताया? न बाप ने अपना नाम बताया न मम्मी का नाम बताया, इशारे देते हैं। जो देवताएं हैं देवात्माएं हैं वो इशारे को ग्रहण कर लेती हैं, जो देवात्माएं नहीं है वो इशारे ग्रहण भी नहीं करती, मानती भी नहीं और विरोध भी करती है कि हम नहीं मानते, क्योंकि जड़ तुम्हारी बुद्धि है या कहो जानवर बुद्धि है। और रावण राज्य की शूटिंग नहीं होना चाहिए, राम राज्य की शूटिंग होना चाहिए ना, रावण राज्य की शूटिंग क्यों हो रही है? है? करेगा कौन? है? अभी राम राज्य की शूटिंग हो रही है या रावण राज्य की शूटिंग हो रही है? दोनों की हो रही है या एक की हो रही है या दोनों की नहीं हो रही है? हैं? ये कह रही है एक की हो रही है, एक की नहीं हो रही, किसकी हो रही है, हम किसकी माने? इसका मतलब अभी रावण राज्य की शूटिंग हो रही है, हम रावण राज्य की शूटिंग करेंगे, कोई कितना भी पढ़ाई पढ़ाए हम मानने वाले नहीं है। हाँ, इसलिए राम राज्य की शूटिंग नहीं हो रही है ना, एक बाप की बात माने कैसे? मान रहे हैं तो जिनका एक बाप धनी धोरी होगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा? लड़ाई झगड़ा दूसरा करता, हम थोड़े करते। एक हाथ से ताली बजती है, है? नहीं, सच बोलने वाला हम हैं एक। और ब्रह्मा का अस्त्र क्या है जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र? उसका वशिष्ठ अस्त्र कहो, विश्वामित्र अस्त्र नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? ब्रह्मास्त्र। विश्वामित्र में और वशिष्ठ में किस बात की लड़ाई हुई? उनके पास पवित्रता का दंड था और उनके पास पवित्रता का दंड नहीं था, वो क्षत्रिय थे, पवित्रता में फेल हो गए थे, पहली बार फेल हो गए, जब दोबारा तपस्या की तो ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिए, ब्रह्मणत्व प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्मास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं चला है? नहीं पता चला? अर्जुन नहीं है आप? कहते हैं अर्जुन ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया। और हाँ
अभी नहीं पता चला ब्रह्मास्त्र क्या है क्या? अरे उनको तो बोलने दो, तुम्हारा हिस्सा भी ले लेना चाहता है। और यहाँ हम लोग जो संकल्प करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बाप का खून बच्चों में पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता है ना, कैसे पहुंचता है? पहुंचता है ना। तो यहाँ जो बच्चे पुरुषार्थ करने वाले हैं वो बीज रूप बाप समान बच्चे हैं कि कोई दूसरे हैं? बाप समान बच्चे हैं। और मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं या नहीं फैलते? क्यों फैलते हैं? क्यों मधुबन में बाप भी मौजूद है और बाप के बाप समान बनने वाले बच्चे भी मौजूद हैं। तो जैसा संकल्प रूपी बीज बोएंगे वैसा दुनिया में फैलता रहेगा वाइब्रेशन में। तो हमारे बीज बोने से हमारे 84 जन्मों की दुनिया बन रही है। दुख देने का बीज डालेंगे तो दुखदाई दुनिया में हमें जन्म मिलता रहेगा, दुखदाई जीवनों के बीच में जन्म होता रहेगा। और सुख का बीज डालेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म मिलता रहेगा। बीज बोने वाले अभी हम हैं बाप। ब्राह्मणों की दुनिया का एक एक संकल्प रूपी बीज बाहर की दुनिया में अभी फसल बो रहा है। बीज बोने का समय अभी है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए? क्या दुख देने वाले कांटे का बीज बोया है और कहे कि हम जन्म जन्मांतर फलों का राजा आम बनेंगे, तो बन पाएगा? कैसे बनेगा? हाँ वो ही तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ना अभी। कांटे कौन है दुखदाई और फूल कौन है सुखदाई, वो अभी पता चल रहा है ना। और कांटा एक को दुख देता है कि बहुतों को दुख देता है? जहां लगेगा वहां दुख देगा, जो संपर्क में आएगा उसको दुख देगा या कोई को सुख भी देता है? है? सब को दुख देता है जो मेरे पास आएगा। क्यों? हाय भैया रे। और एक गुलाब का फूल होता है कहाँ पनपता है? कांटों के बीच में होता है, चारों तरफ कटीली डंडियां और कांटे चुभते भी रहते हैं, फिर वो सुगंध देता है, दिव्य गुणों की सुगंध देता है, दूसरों को सुख देता है या दुख देता है? सुख ही देता है। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं जो जल्दी मिटते नहीं है। तो अपन को अभी रियलाइज करना है कि मैं कांटा हूं या फूल हूं, भ्रष्टाचारी दुनिया का वासी हूं या जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठाचारी दुनिया का वासी हूं। अपनी आत्मा से पूछो मैं कहां का वासी हूं। अपने आप से नहीं पूछेंगे तो दूसरे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और हाँ त्रेता के अंत में बैलेंस बिगड़ता है।
दो कलाएं पलड़ा है तराजू का, एक तरफ दो कलाएं और एक तरफ 14 कलाएं, त्रेता के अंत में 14 कलाएं होती है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है, है? बैलेंस बिगड़ जाता है त्रेता का अंत में। हाँ हाँ, त्रेता के अंत में नहीं, अच्छा त्रेता के अंत में, त्रेता के अंत में, जब त्रेता के अंतिम जन्म का अंत होता है तो बैलेंस बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता है? बिगड़ता है। जब बैलेंस बिगड़ गया तो अच्छा जो है वो हल्का हो गया, और खराब, अच्छा जब बैलेंस बिगड़ेगा तो तराजू कैसा होगा? ऊपर नीचे होगा, थोड़ा समय तो ऊपर नीचे होगा। अरे आप तो सोना तोलने वाले रहे, आप जानते नहीं है क्या, एक रत्ती भी अगर वजन बढ़ गया तो तराजू के दोनों पकड़ पलड़ों का बैलेंस थोड़े समय के लिए जरूर बिगड़ता है। तो ऐसे ही त्रेता के अंत में षष्ठी का बैलेंस बिगड़ जाता है। दागिंदर क्या, दागिंदर दागिंदर क्या बोल रहे हैं? मुरली में बताया, मुरली में क्या दागिंदर बताया भाई? हाँ, अरे मुरली में किसी ने दागिंदर शब्द सुना है? हाँ, पता नहीं जाने कहाँ से पढ़ लिया दागिंदर। हाँ, और ओम शांति।